लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही लक्ष्य लेकर लक्ष्य आरएएस कोचिंग पहुंच चुका है आरपीएससी अजमेर। यहां हम बहुत सारे कैंडिडेट से मिलेंगे और जानेंगे उनके इंटरव्यूज़ के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि कब से क्या नाम है उनका, क्या तैयारी उन कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एस्पिरेंट्स के जानने के लिए कि आरएएस की तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें क्या होती हैं, वो सब आज हम कैंडिडेट से जानेंगे। उनके एक्सपीरियंस जानेंगे, कब से वो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो न्यू इस जर्नी में जुड़े हैं, उन सब के लिए आज हम इस सीरीज़ के अंदर सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। और लक्ष्य आरएएस की तरफ से आज हम यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मौजूद है राजस्थान लोक सेवा आयोग। आज यहाँ पर आरएएस के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कैंडिडेट से मिलेंगे और जानेंगे उनसे सारी बातें। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा भावेश धनवंत नाम है। मैम भावेश जी, कैसा लग रहा है आप आरएएस का इंटरव्यू देकर आए? मैम काफ़ी अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैम बोर्ड बहुत कॉर्डियल है, बहुत सपोर्टिव है और मुझे लगता है कि फ्यूचर अभ्यर्थी को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना जॉब प्रोफाइल आप तैयार करके आएँ, अपनी क्वालिटीज़ तैयार करके आएँ, अपने हॉबीज़ तैयार करके आएँ। यहाँ पे आपके नॉलेज का बिल्कुल टेस्ट नहीं हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जा रहा है। मैम कौन से बोर्ड में थे? मैम मेरा मंजू शर्मा। मैम तो आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मैम एक्चुअली मैं डिफेंस फोर्सेज में ऑलरेडी वर्किंग असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर, तो मुझे जा रहे टाइम नहीं मिल पाया, मैं 3 या 4 महीने ही प्रिपेयर कर पाया। मैम फाइनली इंटरव्यू हो गया है तो कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है इंटरव्यू देने से पहले और अब की? मैम ऑलरेडी मैं इंटरव्यू 2-3 बार दे चुका हूँ यूपीएससी के। मैम ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हूँ तो मेरे लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज तो थी, लेकिन थोड़ा बहुत पैनिक तो होता है और ऐसा ही कुछ था, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा गया है चीज़ें। कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस किए? मैम मेरे जॉब प्रोफाइल को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, डिफेंस फोर्सेज को लेकर ही। मैम और एस्पिरेंट्स को और क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? मैम अपनी हॉबीज़, अपने क्वालिटीज़, अपने पॉजिटिव्स ये तैयार करके आएँ, अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को देख लें और अपनी क्वालिटीज़ मेंटेन रखें, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें, आपका सब कुछ अच्छा होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मीणा। पवन जी कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा। और कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे? मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से और मैं 2012 से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में हूँ और डिप्टी मैनेजर के पद पर हूँ अभी। मुझे 11 साल हो गया जॉब करते हुए मुझे। और आपने बताया कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट, तो क्या लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? जी उम्मीद तो है पूरा। कौन सा बोर्ड था आपका? मैम ये मंजू शर्मा मैम का बोर्ड था। मंजू शर्मा, इनके अलावा और कौन सा बोर्ड है? दूसरे का मुझे अभी पता नहीं है, अभी मैं जस्ट बाहर आया हूँ। तो आपने प्रिपरेशन किस तरह से की थी? ज़्यादा काम क्या आया कि कोचिंग्स आई या फिर सेल्फ स्टडी आई या फिर मॉक टेस्ट? नहीं कोचिंग भी था और सेल्फ स्टडी था। एक्चुअली मैंने जॉब के साथ तैयारी किया तो मुझे जैसा समय मिला वैसे मैंने इसको समय देते हुए तैयारी किया। जो एस्पिरेंट्स हैं, कमिंग एस्पिरेंट्स, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? कि तैयारी करते रहना चाहिए, सफलता तो मिलेगी। और आपने अभी जो अंदर क्वेश्चंस किए इसमें क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या पूछा आपसे? जैसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए पूछा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। तो किस तरह से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, मतलब इतना इतना सारा सिलेबस है समंदर जैसा, तो उसमें से आपको क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे अपना जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसको तैयार कर सकते हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और बाकी राज्य या देश जहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ पर आप अटक गए हो? कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो साइंस से रिलेटेड थे, कुछ लॉ वगैरह जो फैक्चुअल्स क्वेश्चन थे जिन पे मुझे, क्योंकि मुझे कॉलेज छोड़े हुए, कॉलेज से पढ़ाई किए हुए 10-12 साल हो गए तो उन क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा अटका। ओके, आई विश वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ में अभी जुड़ी है मीनू गोदारा जी, इन्होंने आरएएस का इंटरव्यू दिया है तो हम जानेंगे इनसे कैसा रहा आपका इंटरव्यू। मैम इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा मैंने। कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट देके कैसा लगा कि इतना ओवर हाइप्ड है या लेस हाइप्ड है या फिर जैसा होना चाहिए था वैसा है? मुझे लगा पहले और हाइप्ड लगा लेकिन फिर नॉर्मल लगा। कि कहाँ से हैं आप? मैं सालासर से। सालासर से हैं आप, तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए? क्वेश्चंस का यहाँ बता सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब कि आप अगर हमारे एस्पिरेंट्स को अगर हेल्प करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? सर्विस से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछे गए कि आप अगर आरएएस बनते हो तो आप समाज में किस तरह से क्या हेल्प कर पाएंगे इस तरह से। तो मीनू जी ने बस इतना ही बताया, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।